क्या इस बार भी फराह खान आके बोलेगी कि भाई ये शो जो है द विवियन शो बन चुका है, अब विवियन को सब लोग टारगेट कर रही हैं। बिग बॉस 13 में 21 सीजन ऐसा था जिसमें सिद्धार्थ शुक्ला को पूरे घर ने टारगेट किया था और वो विनर बने थे। क्या फराह खान दोबारा से आके ये चीज़ करेगी? अगर कर नहीं रही है तो अब देख तो रही होगी, क्योंकि वो अपने आप को सबसे बड़ा फैन जो है बिग बॉस का मानती है। ट्वीट तो कर ही सकती है आखिरकार, अपने ओपिनियन रखते हुए यहाँ पर आती हैं, काफ़ी सारी बातें बोलते हैं, वन साइडेड जो है बातें जो है फराह खान बोल के गई। अब नॉमिनेशन टास्क से रिलेटेड एक बड़ा बड़ा प्रोमो जो है सामने आया है, जिसमें दिग्विजय जो है विवियन को टारगेट कर रहे हैं, और तो और अविनाश जो है विवियन को नॉमिनेट कर रहे हैं, चाहत भी जो है विवियन को नॉमिनेट कर रही है। चाहत का कहना ये है कि भाई उस लड़ाई में जो है इनका इतनी अग्रेसिवली आने की कोई ज़रूरत थी नहीं, वो कुछ ज़्यादा ही लग रहा था, फेक लग रहा था। ये जानबूझ के उस लड़ाई में इतने अग्रेसिवली जो है आए, जबकि जिस बंदे की लड़ाई ही लड़ाई है पर उसके ऊपर इतने सारे लोग चढ़ रहे हैं, उसकी गलती ही नहीं है, गलती जाने बगैर जो है उस लड़के के ऊपर जो है तुम चार्ज कर रहे हो, जानबूझ के कर रहे हो। तो अच्छा, चाहत पांडे क्या करती है? चाहत पांडे तो हर एक लड़ाई में घुसती है, चाहत पांडे जो है अपने ओपिनियन देती है ना, तो ये ओपिनियन का ही ये खेल है। तो तुम एक फेक नैरेटिव जो है वो सेट कर रही हो, और एक लड़की के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया तो कोई भी इंसान जो सच्चा होगा वो रिएक्ट जरूर करेगा। तुमने नहीं किया वहां पर, क्योंकि तुम्हारा पलड़ा जो था वो दिग्विजय की तरफ था, इसीलिए लड़की के ऊपर भी अगर कुछ ऐसी बात बोली गई तो तुम्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। दिग्विजय का कहना ये है, आप लोगों ने देखा है कि जब ये अविनाश, रजत और दिग्विजय की जब लड़ाई हुई थी, तब उस वक्त जो है सीढ़ियों के पास दिग्विजय को जो है लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि वो दिग्विजय की तरफ, दिग्विजय को होल्ड करके जो है वो पीछे कर रहे थे। हर कोई लड़ाई में ऐसा ही करेगा, जो भी समझदार इंसान होगा। जो बेकार होंगे वो तो लड़ाई को बढ़ाते हैं, थोड़ी आग लगाते, तिल्ली लगाते, जो कि करणवीर करता ही है। तो वहां पर इसी चीज का रीजन दिया कि मेरे को हाथ लगाना, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, नेक्स्ट टाइम से ये मत करना, वो मत करना। तो भाई तेरे को हाथ थोड़ी ना कोई लगा रहा था, तुझे लड़ाई से थोड़ा दूर रखने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा आग मची हुई थी, लोग जो है एक दूसरे के ऊपर हावी हो रहे थे। तो जिसका दिमाग चल रहा था, जिसको रोकने का, वो बंदा वहां पर रोक रहा, तुझे तो उस चीज के लिए उसको थैंक्स बोलना चाहिए, ये तो रीजन तुझे उठाना नहीं चाहिए। तो ये रीजन तूने इसीलिए उठाया दिग्विजय, क्योंकि तू जो है टारगेट करके तू नॉमिनेट ही जो है विवियन डी सेना को करना चाहता है, क्योंकि वो ही जो है तेरा कंपटीशन है, तू उसी को कंपटीशन मानता है कि भाई इसके साथ लगूंगा तभी मैं दिखूंगा। और तो और जो है अविनाश ने वही वाला मुद्दा बोल दिया है, फिर से अविनाश ने बोल दिया, और पीछे जो है पीछे करणवीर जो है इसके ऊपर लुप्पी लगा रहा है, आग फेंक रहा, तिल्ली लगा रहा है कि अगर अपना ओपिनियन है, अगर अपना ओपिनियन रख दिया है अविनाश ने कि भाई ऐसा सब चीज़ें हो चुकी हैं, मैं अभी ये रिश्ते को जो है और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, अगर एक ख़त्म करना चाहेगा तो दूसरा दोनों जो है ख़त्म होने नहीं देंगे, क्योंकि इन तीनों का जो है वो फ़ायदा है, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, ये मेरा ओपिनियन है कि हाँ भाई दो बेटे आ गए, मम्मी को जो है वो फ़ायदा हो रहा है, हो रहा हो रहा है। वहाँ पर शिल्पा भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव जो है होती हुई अविनाश के ऊपर नज़र आएगी आप लोगों को नॉमिनेशन टास्क में। तो इस बीच में जो है और भी ज्यादा आग, जितनी मतलब कि जितना ज्यादा बुरा लगा होगा विविन को इस चीज के ऊपर कि अविनाश ने ऐसा करके बोल दिया है, और भी ज्यादा बुरा करवाने के लिए वहां पर तिल्ली फेंक रहा था करणवीर, और करणवीर के ऊपर भी गुस्सा हुआ वहां पर अविनाश की, ये सब चीजें करने की तुझे जरूरत नहीं है। ये सब चीजें जो है अब नॉमिनेशन टास्क में आप लोग देखने वाले हैं। आखिरकार आज का जो एपिसोड है देखने के लिए क्या आप लोग एक्साइटेड हैं? भाई मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आपका क्या है कहना बताइए ज़रूर। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त, नमस्कार।